साथियों, क्या आप पहचान पा रहे हैं कि हमारे हाथ में आज क्या है, आज हम क्या कवर करने वाले हैं? जी हाँ, ये टमाटर है। इसके आप बिल्कुल सही पहचाने हैं, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसको कहा जाता है, सोलेनेसी फैमिली का है। फ्रूट आर बेरीज, जैसे कि बेरीज होती हैं, इस तरह से फ्रूट लटके हुए हैं। इसका प्रोपेगेशन सीड के माध्यम से साधारण रूप से आप कर सकते हैं। और इसका जो फ्रूट होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, राइबोफ्लेविन, थायमिन, विटामिन सी, कैरोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, बहुत सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। और ये भारतीय किचन की, जो भारतीय किचन है, हमारी जो रसोई है, उसकी यह शान है। अब हम इनकी अगर औषधीय गुणों की बात करें तो इसके अंदर जो पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको आप लाइकोपीन के नाम से जानते हैं, यह लाइकोपीन विभिन्न प्रकार के कैंसर्स में काम करता है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और पैनक्रियाटिक कैंसर। यह फ्री रेडिकल सिक्वेंजिंग एक्टिविटीज़ की होती है। शरीर में जो मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट होता है वो फ्री रेडिकल्स होते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स न्यूरोडीजनरेटिव डिसीज़ का इनिशिएशन करते हैं, और इन्हीं न्यूरोडीजनरेटिव डिसीज़ से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी कई बार हो जाते हैं, कैंसर का जनरेशन होता है। तो उसको न्यूट्रलाइजेशन का कार्य, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइजेशन का कार्य ये लाइकोपीन करता है। कई बार क्या होता है कि सिगरेट पीने से जो नेचुरल डैमेज लंग्स के अंदर हो जाता है, उसकी हीलिंग भी ये लाइकोपीन करता है। बर्न्स हो जाएं या ऑयली स्किन की समस्या हो या फिर स्किन पे रिंकल्स हो जाते हैं, तो उसकी केयर के लिए इसके पल्प का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके जो लाइकोपीन और जो इसके अंदर पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये एसिडोसिस की समस्या, एसिडोसिस होता है उपापचयी अमल रक्तता, उससे हमें निजात दिलाता है। अगर एसिडोसिस को समय पे निष्कार हम समाधान ना करें तो इससे कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। रेगुलर हमारे सर में दर्द या हमें थकान फील हो सकती है, हमारे मसल्स में पेन रह सकता है, और हार्मोनल इम्बेलेंस की समस्या भी एसिडोसिस से हो जाती है। कई बार तो सेक्सुअल डिसफंक्शनलिटी भी एसिडोसिस के कारण हो जाती है। माइग्रेन को अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसका हमें सिंपल, आप इसका सूप बना के पीजिए। ध्यान ये रखना है कि इसके बीज का सेवन करें तो किडनी डिसऑर्डर्स होने की समस्या हो जाती है, किडनी स्टोन डेवलप हो जाता है, तो इसके बीज को रिमूव कर लें, निकाल लें, तब इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा सेफ होता है। यह हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स के डिसबैलेंस हो जाता है तो ये बॉडी के फ्लूड का बैलेंस भी करता है, एजिंग से हमें बचाता है। जैसे हम आपको बता चुके हैं, फ्री रेडिकल सिक्वेंजिंग एक्टिविटी इसमें पाए जाने वाले बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट के कारण हो जाती है, और ये ना केवल किचन में बल्कि हमारे स्वास्थ्य के संरक्षण में बहुत उपयोगी है। इसको आप यूज़ कीजिए। इसकी जो पल्प है वो बंस में भी इस्तेमाल की जाती है, वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये हमारे लिए न्यूट्रिएंट देने वाला नेचुरल सोर्स है, और ये नाइट ब्लाइंडनेस को भी ठीक करता है, जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। हम इसको अपने फेस पे भी लगाते हैं, फेस पे ये जो एक्सेस ऑयल ग्लैंड्स होती हैं उनको रिमूव करती है, स्किन की रिंकल्स को दूर करता है, और एंटी एजिंग का ये कार्य करता है, त्वचा की कांति को ये बढ़ाता है। इस प्रकार से विशेष गुणकारी किचन में पाया जाने वाला ये टमाटर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी। फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम।